व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टिल लवर। ये देखिए कितनी शानदार बात बोली गई है यहाँ पर। लाइफ को शीशे के साथ में कंपेयर किया गया है। जिस तरीके से हम लोग शीशे की तरफ को मुंह कर मुस्कुरा देते हैं, तो शीशा भी हमारी तरफ को मुस्कुरा देता है। लाइफ बिल्कुल ऐसे ही होती है अगर आप लोग उसको थोड़ा सा कंपेयर करके देखेंगे। एक्चुअल में होता क्या है, मान लीजिए आपका मूड बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, और उसी टाइम आपका कोई रिजल्ट आ जाता है, उस टाइम पर आप लोगों के मूड कितना भी खराब क्यों ना हो, आप खुशी के मारे कूदे कूदे फिरेंगे। लेकिन इसका अपोजिट भी उतना ही सच है। कितना ही अच्छा मूड क्यों ना हो और उस टाइम पर रिजल्ट आ जाए और आपका सिलेक्शन ना हो, तो आपका मूड कितना ही अच्छा क्यों ना हो खराब हो जाएगा। तो क्या सीख मिलती है इससे? इससे ये सीख मिलती है कि आप लोग चाहे तो किसी भी तरीके से अपने आप को खुश रख सकते हैं। कोई भी ऐसे मूवमेंट लाइफ के ढूंढ सकते हैं जिनमें आप लोगों का मूड कितना भी खराब क्यों ना हो वो अच्छा बनाया जा सकता है। तो सीधा सीधा मतलब यह है कि अपनी खुशी और अपने गम की चाबी आप लोग अपने पास रखिए, किसी और को मत दीजिए। पता चला कोई इंसान सामने वाला फ्रस्ट्रेट है, आपको कुछ बोल के चला गया, आप भी फ्रस्ट्रेट हो गए, पूरा दिन अपना बर्बाद कर दिया। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल अपना थोड़ा थोड़ा सा टाइम आप लोगों को बचा बचा के अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। जहां पर भी आप लोगों को थोड़ा सा भी टाइम लगता है कि हाँ मुझे यहां पर एंजॉय करना है, वहां पर एंजॉय कर लीजिए। देखिए छोटी सी जिंदगी है, जितना इसको सेलिब्रेशन की तरीके से जिएंगे, जितना इसको एंजॉय करेंगे, उतना ही लाइफ आप लोगों की शानदार हो जाएगी। तो अगर आप लोग रियली लाइफ को शानदार करना चाहते हैं तो अभी जरा सा मुस्कुराइए, ठीक है? तो जहां भी आप लोगों को मौका मिले एकदम मुस्कुराया कीजिए यार, खुश रहिए, फिर देखिए लाइफ जीने में कितना मजा आता है। आज 22 जनवरी है, देख लेते हैं कौन कौन से हम लोगों को नैनो मैगजीन के आर्टिकल डिस्कस करने हैं। अगर जिंदगी को आप लोग खुश रख कर जिएंगे तो लाइफ बिल्कुल विराट कोहली की तरीके से हो जाएगी। मतलब अपने काम में इंटरेस्ट लेना और अपने ऊपर फोकस देकर चलना, तो इस तरीके का इंसान बन जाता है। आप लोग देख सकते हैं कितना सक्सेसफुल इंसान है आज की डेट में ये। तो देखिए अभी इनको मिला है यहाँ पर वर्ल्ड क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, और ये फर्स्ट टाइम नहीं मिला है, ये अवार्ड इनको सेकंड टाइम मिला है, फर्स्ट टाइम 2012 में मिला था, ओके। और इसके अलावा आप लोग जान सकते हैं कि अभी देखो इनकी शादी भी हुई है, तो चारों हाथ में इनके लड्डू हैं आज के डेट में। और देखिए कितने ज्यादा मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड आज के डेट में चल रहे हैं अगर क्रिकेट की हम लोग बात करें तो। और इंडिया को भी अगर सक्सेसिवली देखा जाए, ये सेकंड टाइम मिला है, मतलब लास्ट ईयर यहाँ पर रविचंद्र अश्विन को मिला था ये अवार्ड। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कितना शानदार हमारे प्लेयर यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ सीखा करो यार इनसे, क्रिकेट देख के जरा सी देर में आप लोग साइड में हो जाते हैं, कुछ सीखो तो सही। कितनी मेहनत करते हैं, कितना मेहनत करने के बाद में ये अपनी लाइफ को यहाँ पर स्टेबल कर पा रहे हैं और सारा काम साथ साथ में कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के सामने हर टाइम उदाहरण होते हैं, आप लोग उनसे सीख सकते हैं बहुत सारी बातें। पर लेकिन आप लोग नहीं सीखते, उनको इग्नोर करते हैं, इंटरटेन करके फिर साइड में कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है ये भी काफी शानदार और काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर ये है हमारी कंट्री में महिलाओं से रिलेटेड और बच्चों से रिलेटेड। जब प्रेग्नेंट वुमेन होती है, देखिए उनके यहाँ पर सुरक्षा के लिए हमारी कंट्री में एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। तो इसको याद रखिएगा। ये सबसे शानदार बात अभी क्या हुई है, इस साल में आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें 1 करोड़ चेकअप यहाँ पर हुए हैं हमारी कंट्री में, जिसकी वजह से नॉर्मली हमारी कंट्री में क्या देखने को मिलता है कि बहुत सारी वुमेन की और बच्चों की डेथ हो जाती थी स्टार्टिंग फेज में, जिसकी वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही थी। पर लेकिन जब से ये प्रोग्राम चलाया गया तब से यहां पर काफी कुछ यहां पर अच्छा देखने को मिला है। तो इस प्रोग्राम के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो देखिए ये प्रोग्राम जो चलाया गया था 2016 में ये चलाया गया था, और फोकस क्या था कि हम लोग जो भी क्वालिटी होता है क्वालिटीफुल यहां पर प्रेग्नेंट वुमेन का चेकअप होना चाहिए। नॉर्मली अगर आप लोग गांव देहात में जाएंगे, नॉर्मली अगर आप लोग वहां पे नॉर्मली दाई, आप लोगों ने सुना होगा दाई होती है, ठीक है, जो बच्चों को जन्म दिलाती है। पर लेकिन देखिए ना तो उनको कोई अच्छी नॉलेज होती है, ना ही वो कोई ट्रेन होती है, बस इस तरीके से वो होता है कि यहाँ पुराना कोई एक्सपीरियंस होता है उससे वो काम करती रहती है। पर लेकिन जब से ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है तब से यहाँ पर काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनकी हेल्थ काफी अच्छी देखने को मिली है, क्योंकि टाइम टू टाइम यहाँ पर चेकअप होता रहता है। तो सबसे शानदार आप लोगों को बात क्या याद रखनी है, ये डेट आप लोगों को याद रखनी है, ये है 9th एवरी मंथ, हर महीने की 9 तारीख को यहाँ पर इनके चेकअप होता है। और यहाँ पर कोई भी डॉक्टर, चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर हो चाहे वो सरकारी डॉक्टर, यहाँ पर जाकर रजिस्टर कराता है और वो बोलता है कि मैं भी यहाँ पर अपनी साइड से वॉलेंट्री यहाँ पर ड्यूटी पे करना चाहता हूँ। मतलब इस तरीके से होता है, मान लीजिए कोई डॉक्टर है आप में से भी, अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर ये लेक्चर सुन रहा है और डॉक्टर है, उसको हालांकि डॉक्टर को तो पता ही होगा ये, नॉर्मली क्या होता है वो ये बोलता है कि देखिए 9 तारीख को किसी भी मंथ की, हर एक मंथ की 9 तारीख को जाकर अपनी ड्यूटी वहां पर दे सकता है, ठीक है। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा गुरुद्वारे में लंगर लगता है, जब वहां पर जाकर आप अपनी ड्यूटी दे सकते हैं, लोगों की सहायता कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे भी ये सिस्टम होता है। तो इसको आप लोग थोड़ा समझिएगा, इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, जो बच्चे उनकी डेथ हो जाती थी, ये सारी प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिल रही थी। और महाराष्ट्र में लार्जेस्ट चेकअप देखने को मिले हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट चेकअप देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप का भी काफी शानदार उदाहरण देखने को मिला है, चाहे गवर्नमेंट डॉक्टर हो चाहे प्राइवेट डॉक्टर हो, अगर वो दिल से चाहता है यहां पर जाकर अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाना, तो वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है।
इसके साथ में आप लोग यहाँ पर मिनिस्ट्री भी याद रखे, कई बार मिनिस्ट्री पूछ ली जाती है, तो मिनिस्ट्री है यहाँ पर हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर, और जो यहाँ पर मिनिस्टर है इसके वो है जेपी नड्डा जी, जिनके द्वारा ये जो जो ये स्कीम है ये लॉन्च की गई थी। और देखिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये जरूर याद रखिएगा यहाँ पे, अब सौ लोगों से पूछा जाए फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हर महीने की 9 जो डेट आप लोगों को याद रखनी है ये है। और इस तरीके की बातें आप लोग अपने आसपास वाले एरिया में भी अवेयरनेस फैला सकते हैं ताकि सब इस स्कीम का फायदा उठा सकें। देखिए मैं हमेशा यही चाहता हूँ, जब भी कोई लेक्चर देता हूँ मैं इस तरीके से नहीं रखता हूँ लेक्चर को कि आप लोग बस पढ़ाई पढ़ाई करते रहे, पढ़ाई के साथ में आप लोग कुछ ड्यूटी भी रखे अपनी, जो कि आप लोग सोसाइटी को कुछ बैक पे कर सके। तो इस तरीके से थोड़ा लेक्चर सुना कीजिए अपना, पढ़ाई के साथ साथ में थोड़ा सोसाइटी को बैक पे भी किया कीजिए, जहाँ पे आप लोगों को लगता है आप लोग कर सकते हैं तो वहाँ पर जरूर कीजिएगा। तो ये प्रोग्राम है शानदार, इसके याद रखिएगा जरूर। ये वाला पॉइंट हालांकि मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, पर फिर से बता देता हूँ, ये भी आप लोग आसपास में अवेयर करा सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी एंड लॉन्चिंग ऑफ द एक्सेसिबल वेबसाइट, मतलब मैंने आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में बताया था कि जो भी हमारे यहाँ पर दिव्यांगजन है, जिनको कम दिखता है, जो ढंग से देख नहीं पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, कई सारी की प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है, वेबसाइट वगैरह जो उनके लिए बनाई जाती है, अब यहाँ पर उनको जूम करके चीजें दिखाई जा सकती हैं, ऑडियो वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। कहने का मतलब ये है इनडायरेक्ट वे में कि वो उसको एक्सेस कर सकते हैं, आराम से उसको एंजॉय कर सकते हैं, अगर कोई वेबसाइट इस तरीके की है तो। यहाँ पर ये मिनिस्ट्री के द्वारा इस तरीके की प्रोग्राम अब लॉन्च किया गया है, और खुद तो इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड द एम्पावरमेंट ने खुद तो ये काम किया ही किया है, इसके साथ में स्टेट को भी गाइड किया है कि आप लोग भी इस तरीके का स्टेप लीजिए ताकि आने वाले टाइम में हमारी जो जनता है वो अच्छे से इस चीज को एंजॉय कर सके। तो दोनों ही बात आप लोगों को याद रखनी है यहाँ पर, एक तो ये स्कीम जो यहाँ पर एक्सेसिबल बनाई गई है, जो यहाँ पर जो हमारे दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए, क्योंकि अगर इकोनॉमी में वो पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारी इकोनॉमी एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में काफी लार्ज स्केल पर बढ़ती हुई नजर आएगी। तो मिनिस्ट्री भी याद रख सकते हैं आप लोग यहां पर, ठीक है। तो आप लोगों का रिवीजन भी हो गया, लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, थोड़ा सा अवेयरनेस है, लोगों को बताइएगा जरूर। नेक्स्ट पॉइंट काफी शानदार है, खासकर वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, बात की गई है फर्स्ट लेडीज। देखिए फर्स्ट लेडीज यहां पर एक तरीके कैंपेन चलाया जा रहा है, इस कैंपेन में अगर मान लीजिए कोई भी वुमेन, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, अगर किसी भी फील्ड में वो बैरियर तोड़ के बाहर निकल कर आ रही है तो उनको यहाँ पर फैसिलिटेट किया जाएगा, उनको यहाँ पर प्राइज दिया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला, इस बार जो दिया गया है यहाँ पर 112 है यहाँ पर वुमेन को, जिन्होंने अचीव किया है अपने अपने फील्ड में, वो फील्ड कोई सा भी हो सकता है, यहाँ पर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो किसी मिसाइल टेक्नोलॉजी में, या फिर ओलंपिक में हो सकता है, या फिर कोई भी गाँव देहात में आप लोग कोई भी ऐसा बैरियर तोड़ के बाहर निकल कर आए हो जो आज तक किसी ने नहीं तोड़ा है, तो ऐसा कोई भी काम अगर वुमेन ने किया हो तो यहाँ पर उनको जज किया जाएगा उसके बेस पर, और उन वुमेन को यहाँ पर प्राइज दिया जाएगा। देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है, अगर आप लोग कोई भी रूढ़ीवादी सोच को निकलकर बाहर निकल कर आते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं जो आज तक नहीं किया है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। देखिए बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो फर्स्ट टाइम होते हैं, उससे पहले किसी ने नहीं किए होते हैं, अगर एक बार उसको कोई कर देता है तो सामने वाले को आसान लगने लगता है, और हम कंपेयर करने लगते हैं, इसने कर दिया तो मैं भी कर सकता हूं, ठीक है, तो इस तरीके की फीलिंग आने लगती है। तो इसीलिए आप लोग देख सकते हैं, अगर फर्स्ट टाइम जो काम करता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसको होती है कि किस तरीके से मुझे लेकर चलना है। तो जरूर याद रखिएगा फर्स्ट लेडी ये प्लेटफॉर्म यहां पर तैयार किया जा रहा है, और यहां पर ये किया किसके द्वारा जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री आप लोग जरूर याद रखिएगा, अभी 20th of January जो गई है यहां पर सबको फैसिलिटेट किया गया है, जो फर्स्ट वुमेन थी अपने अपने फील्ड में जिन्होंने जो जो भी काम किया है। मोटो देखिए यही है कि किस तरीके से इंपावर करना है, और फर्स्ट लेडीज यहां पर एक तरीके से कंपेन चलाया जा रहा है ताकि वुमेन को यहां पर फर्स्ट रखा जा सके हर एक फील्ड में जहां पर वो बैरियर तोड़कर बाहर आती है। तो किससे कनेक्टेड है वो भी याद रखिएगा, किस मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जा रहा है ये भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट आप लोग देख लीजिए, जो आज आप लोगों का रिवीजन का क्वेश्चन है ये आप लोगों को देखना है, ये लेक्चर नंबर 45 है, यहाँ पर गवर्नर के बारे में जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा जाकर, गवर्नर के बारे में सारी बातें बताई जा रही है। और मैं आप लोगों को एक बार और बताना चाहता हूँ, कई सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, देखिए जो पॉलिटिकल लेक्चर है, पॉलिटिकल लेक्चर में आप लोग ये बोलते हैं कि 5th edition है या 4th edition है, पहले स्टार्टिंग में जब मैंने पॉलिटिक्स स्टार्ट की उस टाइम तक 5th edition अवेलेबल नहीं था, ठीक है। लेक्चर के अंदर आप लोगों को चैप्टर देखने को मिलेंगे स्टार्टिंग में, 4th आप लोग को देखने को मिलेंगे, 4th edition के नंबर डले हुए हैं वहां पर, ठीक है। तो उसमें डाउट मत रखिएगा, मैं यहाँ पर L1 L2 करके लेक्चर डालता जा रहा हूं अब। तो इस तरीके से आप लोग लेक्चर देख सकते हैं, लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड, लेक्चर थर्ड, इस तरीके से आप लोग अपना रिवीजन करते रखिए। तो काफी शानदार लेक्चर है, आप इसको जाकर देखिएगा, लिंक यहां पर PDF में मिल जाएगा, सारी PDF आप लोगों को यहां पर मिल जाती है, टेलीग्राम है, नीचे जाकर आप लोग यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो राज्यसभा के लिए भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, सारे लिंक आप लोगों को वीडियो के जस्ट नीचे मिल जाएंगे, जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और चीजों को शेयर भी कर दिया कीजिए फेसबुक पर ताकि सबको फायदा हो जाए। आइए अब आगे स्टार्ट करते हैं, आज आपकी लेक है ये वुलर लेक, काफी शानदार यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगी, क्यों, क्योंकि ये इंडिया में ही नहीं फेमस है, ये एशिया में फेमस है,
ये वन ऑफ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया में, ना कि ओनली इंडिया में, ठीक है। इसको डब्ल्यू यू एल ए आर भी पुकारा जाता है और इसको डब्ल्यू यू डबल एल ए आर, तो कुछ भी नाम हो दोनों एक है, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है अपने आपको, आप लोगों को। देखिए नॉर्मली अगर देखा जाए ये लेक, इस लेक को ये माना जाता है कि ये लेक जो बनी थी यहां पर, आप लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी होगी ज्योग्राफी में, तो जिस तरीके से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आप लोगों ने कन्वर्जन और डाइवर्जन वगैरह पढ़े होंगे, तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिला होगा। तो इसी तरीके से ये माना जाता है कि उसी की वजह से यहां पर बनी थी ये लेक, और इसको इसीलिए यहां पर आप लोगों को देखने को मिला है। वूलर का अगर संस्कृत में आप लोग मीनिंग देखेंगे तो यहां पर इसका मतलब होता है ट्रबुलेंट, ठीक है ना। नॉर्मली ट्रबुलेंट का मतलब क्या होता है, अशांत। और जितनी शानदार ये आप लोगों को लेक देखने को मिल रही है, उतनी शानदार ये एरिया में पाई जाती है जम्मू और कश्मीर, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर का इतना शानदार पोर्शन है, उसको स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है इंडिया का कई बार। तो इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं, तो इस तरीके से भी आप लोग इसको याद रखिएगा। जो नॉर्मली इसमें पानी आता है वो वहां से आता है, यह है झेलम रिवर, तो झेलम रिवर भी आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, ओके। नॉर्मली ये माना जाता है, अगर जम्मू कश्मीर में बात की जाए, ये जो लेक है लगभग 8,000 से 10,000 जो फिशरमैन अपना अर्न मनी इसी लेक से कमाते हैं यहां पर, और लगभग 60% जो एंटायर फिशरी है जम्मू और कश्मीर वाले रीजन में वो यहीं से निकल कर आती है। तो आप लोग समझ सकते हैं इससे कि कितनी इंपॉर्टेंट लेक यहां पर ये है, कई तरीके की फिश वगैरह यहां पर पाई जाती है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में, थोड़ा सा ये याद जरूर रखिएगा कि कहां पर पाई जाती है, और सबसे बड़ी बात है कि ये फ्रेश वाटर लेक है, ये बात जरूर याद रखिएगा। और इसके अलावा एरिया याद रखना है, एरिया के साथ में कौन सी रिवर जो है इसको फीड कर रही है यहां पर, जिससे पानी आ रहा है, झेलम रिवर, वो याद रखिएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को इससे रिलेटेड याद रखनी है। बात कर लेते हैं थोड़ा एशियान के बारे में, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी आप लोगों को पता है 26 जनवरी पे 10 एशियान जो मेंबर है उसके सारे लीडर हमारी कंपनी में चीफ गेस्ट के तौर पर यहां पर आ रहे हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए 10 मेंबर के बारे में, ठीक है। तो 10 मेंबर कौन से हैं, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया और ब्रुनेई हो गया। तो ये 10 के 10 मेंबर आप लोगों यहां पर याद रखने हैं कि किस किस कंट्री के यहां पर आ रहे हैं, आप लोगों के लिए बातें पूछी जा सकती है। इस्टेब्लिशमेंट जो किया गया था इसका 8 अगस्त 1967 में किया गया था, तो आप लोग नॉर्मली अगर मोटा मोटा यहां पर लगा के चलेंगे तो आप लोग देख सकते हैं लगभग 50 साल यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और इसको बोला जाता है, जिसके हिसाब से इसको डिक्लेयर किया गया था, ये इसको बोलते हैं एशियान डिक्लेयर, बैंकॉक डिक्लेरेशन भी इसको बोला जाता है। स्टार्टिंग में आप लोगों को यहां पर 4-5 कंट्री देखने को मिलेगी, एक तो हो गया इंडोनेशिया, ये हो गया मलेशिया, ये हो गया फिलीपींस, ये हो गया सिंगापुर और ये हो गया थाईलैंड, 5 कंट्री स्टार्टिंग में जिन्होंने ये स्टार्ट किया था, बाद में 5 कंट्री और आके जुड़ गई, ठीक है। 5 कंट्री कौन कौन सी आगे जुड़ी यहाँ पर, ब्रुनेई 1984 में, इसके बाद में वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इस तरीके से यहाँ पर ये नई नई कंट्री आप लोगों, ये म्यांमार और लाओस एक साथ में जुड़े यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर आज की डेट में लास्ट कंट्री कंबोडिया जुड़ी थी 1999 में, और तब से लेकर ये 10 मेंबर हैं आज तक का। थोड़ा और डिटेल यहाँ पर इसको देख लेते हैं, डिटेल में थोड़ा सा यहाँ पर 8 अगस्त को आप लोगों को देखने को मिला इसका फॉर्मेशन हुआ, और मोटो भी आप इसका याद रख सकते हैं। देखिए नॉर्मली अगर आप लोगों को जानना, आप लोग जानते हैं जैसे यूरोपियन यूनियन के बारे में, जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन को अगर मैं आप लोगों को मैप में दिखाना चाहूं थोड़ा, तो ये यूरोप वाला जो एरिया सारा आप लोगों को सामने आएगा, ये सब मिला के इन्होंने एक यूनियन बना ली। इसी तरीके से आप लोगों ये आसियान मेंबर आप लोगों को यहां दिखेंगे, इन्होंने मिलके भी अपनी एक यूनियन बना ली। तो इससे क्या रहता है, इसे देखिए जितने भी यहां पर यूरोप में मेंबर है सबके बीच में, किसी के बीच में भी आप लोगों को नॉर्मली बाउंड्री नहीं दिखेगी, इनकी करेंसी एक रहती है, यूरो हो गया, यहां पर खुद ही इनका एक बैंक रहता है अलग से, जो कि यहां पर इनकी करेंसी को हैंडल करके चलता है। डिफेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, डिफेंस से रिलेटेड कोई भी इनकी एक्टिविटी होती है, या ट्रेड से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी होती है, तो पूरा यूरोपियन यूनियन यहां पर दारोमदार होता है, ना कि कोई सिंगल कंट्री, ओके। इसी तरीके से यहां पर ये लेकर चल रहे हैं आसियान को, आसियान भी कुछ इसी तरीके का रोल प्ले करवा रहा है, वही बात हो गई, आप लोग एक डंडी आप लोगों को बोला जाए आप लोग तोड़ देंगे, लेकिन 3-4 अगर उनको इकट्ठा बांध के मैं आप लोगों को दे दूं तो आप लोग शायद नहीं तोड़ पाएंगे। तो इसी तरीके से अगर मिलजुल कर यहां पर ये रहेंगे तो आराम से इनकी इकोनॉमी भी हट नहीं होगी और आराम से ये प्रोग्रेस कर पाएंगे। इसी तरीके से ये इसी के पैटर्न पर कहीं ना कहीं ये इन्होंने अपना सिस्टम यहां पर स्टार्ट किया हुआ है, ओके। और ये आप लोगों को झलकता हुआ नजर आएगा इनके मोटो में भी, आप लोग देख सकते हैं, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, मतलब सबको मिलके एक साथ में, सारा विजन एक साथ में लेके चलना है और सबको मिलके एक साथ में रहना है, ये यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। जिसका सेक्रेटरीट है वो जकार्ता में है, आप लोग याद रखिएगा, इंडोनेशिया में। और ये 10 मेंबर आप लोगों को मैं दिखाई चुका हूँ, ये 10 मेंबर आप लोगों के सामने यहाँ पर, और सीधा सीधा फोकस यही है कि एशिया में इनको फोकस देकर चलना है, और इंटर गवर्नमेंटल कॉरपोरेशन एक दूसरे की साथ में कंपेयर, एक दूसरे के साथ में कनेक्शन बनाने हैं, मतलब रिलेशन बनाने हैं, और कहीं ना कहीं फ्री ट्रेड भी एक दूसरे के साथ में रखना है, जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, पॉलिटी, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशन, सोशल कल्चर इंटीग्रेशन, ये सारा यहाँ पर देखने को मिल सके। ये जो यहाँ पर ये बातें बोली जा रही है, ये सारी इनके आप लोग मोटो में भी देख सकते हैं, सीधा सीधा मतलब आप लोगों को वहां से नजर आ जाएगा कि क्या मतलब है इसका बनाने का। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इन्होंने एक सब काम किया, सोशल कल्चर इंटीग्रेशन के लिए, ये सारी बात आप लोगों को देखने को मिलेगी, और ये भी ऑफिशियल
ऑब्जर्वर है, जिस तरीके से आप लोग देखो देखने मिलता है कहीं पर आप लोग जाते हैं, G7 की बात कर लीजिए वहां पे यूरोपियन यूनियन दिखता है, G20 की बात कर लीजिए वहां पे यूरोपियन यूनियन दिखता है, इसी तरीके से ये भी कहीं कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा, आसियान मेंबर का पूरा ग्रुप आप लोगों को यूनाइटेड नेशन में एज ए ऑब्जर्वर देखने को मिलेगा, और ग्लोबल एक्टिविटी भी आप लोगों को काफी इसका न्यूज में आता हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके से थोड़ा इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारी कंट्री में चीफ गेस्ट के तौर पर यहां पर इनकी कंट्री के सारे लीडर आ रहे हैं। नेक्स्ट आज आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर BEL, इसके बारे में जानते हैं आखिर क्यों है ये इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप लोगों को जानने को मिलता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में, जिसको बोलते हैं हम EVM। तो EVM को जब बनाने की बात आती है आप लोगों को पिक्चर में ये देखने को मिलेगी, इसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है। हेडक्वार्टर नॉर्मली आप लोगों को यहां पर इसका देखने को मिलेगा बेंगलोर में, कर्नाटका में। ये किसके साथ में मिलकर यहां पर बना रही है आप लोगों को और देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ECIL, जो इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। तो ये दोनों मिलकर यहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बना रही है, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बताने की जरूरत है कि कितनी ज्यादा न्यूज में है। पिछले कुछ दिनों से जब से खासकर उत्तर प्रदेश के इलेक्शन हुए थे तब से बोला गया था मायावती जी के द्वारा, अखिलेश जी के द्वारा और अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन काम नहीं कर रही है। तो इसलिए जो उसको बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये स्टेट ओन ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल की ऑर्गेनाइजेशन है। इंडस्ट्री एयर स्पोर्ट्स और डिफेंस में ये वर्क करती है। फाउंडेशन इसका है 1954 में, हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर बात की जाए यहाँ पर जो की लोग हैं यहाँ पर, मतलब की पीपल हैं यहाँ पर, जो चेयरमैन है यहाँ पर, ये MV गोटमा, ठीक है। तो इनका भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं। इसके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, रडार वगैरह हो गया, वेपन सिस्टम, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो एक कुछ सिस्टम इसके लिए इसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। और प्राइमरी अगर इसका आप लोग इसको देखेंगे, भारत इलेक्ट्रॉनिक जो ये बोला जा रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक आप लोग स्टार्टिंग में फोकस देखेंगे तो ये पूरा फोकस स्टार्टिंग में था इसका गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है ना। ये मैक्सिमम डिफेंस के लिए वर्क किया करती थी स्टार्टिंग में, पर लेकिन बाद में इसको देखने को मिला, ये जैसे कि आप लोग देख रहे हैं वोटिंग मशीन भी बना रही है, इसको थोड़ा डाइल्यूट कर दिया गया और दूसरे एरिया में इसको वर्क देना स्टार्ट कर दिया गया। तो आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ये आती है। 9 PSU है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में, तो 9 PSU में से वन ऑफ द एक ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां पर डिफेंस, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा PSU BEL, मतलब 9 PSU जो आते हैं उनमें से एक ये भी है, और इसको स्टेटस दिया गया नवरत्न का। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आती है, काफी न्यूज में है जिस तरीके से वोटिंग मशीन, इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हो गई कुछ इसके बारे में आप लोगों को जो नॉलेज होनी चाहिए थी। आइए देखते हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क, काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को ये एरिया देखने को मिलेगा, क्योंकि पड़ता कहां पे है, ये पड़ता है वेस्ट चंपारण में जो कि बिहार में है। चंपारण का नाम लेती है आप लोगों को चंपारण सत्याग्रह की, थोड़ी बहुत तो याद आ ही गई होगी। जिस तरीके से आप लोगों को देखने को मिला था महात्मा गांधी जी का 1917 में फर्स्ट इस तरीके का मूवमेंट था जो कि इंडिया में चलाया गया था अंग्रेजों के खिलाफ इंडिगो क्रॉप के लिए। नॉर्मली यहाँ पर इंडिगो क्रॉप उगाने के लिए फोर्स किया जाता था हमारे यहाँ पर जो फार्मर थे, और बाद में क्या हुआ, इंडिगो क्रॉप का यहाँ पर प्राइस डाउन हो गया क्योंकि जर्मन में नई क्रॉप टेक्नोलॉजी आ गई थी डाई बनाने के लिए, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर उसका प्राइस डाउन हो गया और जो किसान थे यहाँ पर जो इंडिगो प्रोड्यूस कर रहे थे वो भूखे मरने लगे। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा इसको याद रखिएगा, तो उस एरिया में पाया जाता है, हिस्टोरिकल थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जो कि वेस्ट कॉर्नर ऑफ द बिहार में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये बहुत एक्सलेंट एग्जांपल है आप लोगों को लगे और देखने को मिले यहां पर हिमालयन तराई लैंडस्केप का, मतलब जो तराई वाला एरिया होता है, जिस तरीके से आप लोगों को नेपाल के बारे में कई बार बता चुका हूं, नेपाल का तराई वाला एरिया है जहां पर मधेसी पाए जाते हैं, इसी तरीके से जो हिल के जो नीचे वाला एरिया होता है उसको तराई रीजन बोलते हैं थोड़ा, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये तराई वाला जो एरिया है यहां पर, ये वाला एरिया जो पाया जाता है, एक्सीलेंट एग्जाम्पल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो VTR है यहां पर वाल्मीकि नेशनल पार्क और यहां पर वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों देखने को मिलती है। इसके साथ में थोड़ा सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए चंपारण के बारे में, क्योंकि चंपारण काफी न्यूज में रहता है, हिस्ट्री की वजह से भी काफी न्यूज में था, और आप लोगों को देखने को मिला कि 2017 में इसको 100 साल पूरे हो गए हैं, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चंपारण के बारे में क्या बोला जा रहा है यहां पर, चंपारण दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पहला का है चंपा और दूसरा है आर्यन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर चंपा जो आप लोगों को देखने को मिलता है ट्री है, ठीक है, और आर्यन आप लोगों को पता ही है। तो इस तरीके से यहां पर जो फॉरेस्ट है पूरा मिला के, तो इस तरीके से यहां पर बन जाता है फॉरेस्ट ऑफ द चंपा ट्री, ठीक है, तो मीनिंग ये निकल के आता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको थोड़ा याद रखिएगा, तो चंपा यहां पर ट्री का नाम है, तो इस तरीके से इसको याद जरूर रखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। ये आज आप लोगों के लिए यहां पर क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है मिस इंडिया USA 2017 कौन थी यहां पर, ठीक है।
तो इसके बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग देखते हैं हमारी कंट्री में अब की बार एक इसी तरह कुछ अवार्ड मिला है, वो भी बताइए चलो कमेंट बॉक्स में, आप लोगों के लिए क्वेश्चन और हो जाएगा। कुछ ऐसा ही अब की बार हमारी कंट्री को एक अवार्ड मिला है चिल्लर नाम का एक, कुछ आप लोग काफी न्यूज में सुन रहे होंगे, शशि थरूर ने उनके ऊपर कमेंट भी किया था कि अब तो अपनी कंट्री के चिल्लर भी चल रहे हैं, तो इस तरह कमेंट भी देखने को मिले थे, तो काफी न्यूज में थी इसलिए। तो कौन सा उनको अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है ना, तो वो भी आप लोग बताइएगा। तो इसलिए दोनों ही बताइएगा, ये भी बताइएगा और वो भी बताइएगा। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पर लोकेटेड है। दूसरा आप लोगों को यहां पर क्वेश्चन है नेक्स्ट आप लोगों के लिए, ये 56 सेलिब्रेशन डे ऑफ द गोवा किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी आप लोगों के लिए कुछ दिनों पहले ही मैंने डिस्कस किया था। तो इन क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों को देना है और अच्छे से इनको पढ़ने के बाद में आंसर दीजिएगा, वैसे नहीं आते कई सारे स्टूडेंट तुक्का मारते हैं, ठीक है, कि ये हो सकता है ये हो सकता है, देखिए पढ़ने के बाद में आप लोगों को ढंग से आंसर देना है, ओके। नेक्स्ट यहां पर जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछे थे वो क्वेश्चन के आंसर है यहां पर, जो फर्स्ट नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी है। देखिए हमारी कंट्री में बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क है, जब इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क है तो कम से कम हमारी कंट्री में ये भी होना चाहिए ना कि कम से कम कुछ तो ऐसी यूनिवर्सिटी हो जो कि रेलवे के ही ऊपर पूरा फोकस देकर चले, क्योंकि आधे से ज्यादा जनता तो हमारी रेल में ही घूमती रहती है। तो इसीलिए यहां पर ये रेलवे यूनिवर्सिटी यहां पर की गई जो कि कंप्लीटली डेडिकेटेड रेलवे के ऊपर रहेगी कि किस तरीके से रेलवे ट्रांसपोर्टेशन को और ज्यादा बेटर तरीके से बनाया जा सकता है। तो खोली कहां पर जा रही है, यह है गुजरात में, ठीक है। इसके द्वारा देखिए मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कौन सी पार्लियामेंट ने रिसेंटली अप्रूव कर दिया है कि बैन करने के लिए उनको खुदाई करने के लिए ऑयल और नेचुरल गैस के लिए, तो फ्रांस ने बोला है कि 2014 तक, क्योंकि ये अपना पूरा फोकस देना चाह रहे हैं नेचुरल जो हमारे यहां पर जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है सोलर हो गया विंड एनर्जी हो गया उन पर पूरा फोकस देना चाह रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने यहां पर ये काम किया है। नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडिया और कौन सी कंट्री ने यहां पर साइन किया है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रैखाइन स्टेट के लिए, तो ये आप लोगों को पता है रैखाइन स्टेट की जब बात आती है तो ये पड़ता है म्यांमार में, काफी न्यूज में था, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए इसी बहाने इसको थोड़ा मैप पे भी निहार लीजिए, ये हो गया यहाँ पर रैखाइन स्टेट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये हो गया यहाँ पर रैखाइन स्टेट, ये हो गया म्यांमार, म्यांमार में पड़ता है, यहाँ पर रोहिंग्या कम्युनिटी पाई जाती है, रोहिंग्या कम्युनिटी में जो म्यांमार की जो आर्मी थी उन्होंने उनको काफी मारा और मारने के बाद में जब यहाँ से ये भागे जान बचा बचा कर बेचारे कुछ बांग्लादेश में भागे कुछ इंडिया में आए कुछ इधर उधर अंडमान और इंडोनेशिया और मलेशिया में पहुंच गए, तो ये वाला इशू बहुत ज्यादा चल रहा है। तो अब इस एरिया को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि इंडिया में भी लगभग 40,000 रोहिंग्या यहाँ पर देखने को मिले और लगभग 6 लाख से 6.5 लाख तक यहाँ पर बांग्लादेश में देखने को मिले, ताकि शांति यहाँ पर इस एरिया में रखी जा सके, इसलिए यहाँ पर इंडिया ने इनके साथ में कोऑपरेशन करने की बात की है ताकि यहाँ पर सोल्यूशन निकाला जा सके, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखना है, जितने भी आप लोगों के आंसर यहाँ पर सही होंगे आप लोगों को बताना है कि तीन में से आप लोगों ने कितने आंसर अचीव किए हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना आप लोगों का यहाँ पर स्कोर रहा है, ठीक है। उसे देखिए मुझे भी अच्छा लगता है और आप लोगों को तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि अगर आप लोग लिखेंगे तो अगर आप लोगों के कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा बुरा लगेगा, आप लोग सोचेंगे यार अच्छा मार्क्स लिखूंगा अगर पब्लिकली तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर भी मोटिवेशन आएगा, आप लोग भी ढंग से सर्च करके चीजों का आंसर देंगे, तो दोनों ही तरीके से फायदा है, आपको भी फायदा है और मुझे भी फायदा है, ओके। तो इस तरीके से आप लोग कीजिए, मैं भी मोटिवेट रहूंगा और आप भी मोटिवेट रहेंगे। तो आइए एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली जी को सेकंड टाइम मिला है, एक बार 2012 में मिल चुका है और लास्ट ईयर यहां पर रविंद्र चंद अश्विन को मिला था, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया ये फर्स्ट लेडी, तो जो भी लेडी यहाँ पर अपने फील्ड में कोई फर्स्ट टाइम काम करती है तो उसको मोटिवेट करने के लिए क्या, ताकि वो बैरियर को तोड़ के आगे आ सके, इसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये मिनिस्ट्री भी आप लोग याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया नेक्स्ट यह था प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, सो यहाँ पर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ये महिलाएं उनको फायदा पहुंचाया जा चुका है, इसके लिए भी आप लोग ये बातें याद जरूर रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली है इसकी भी मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग सारी चीजें जितनी जो मोटी मोटी बातें मैंने बताई है 9 डेट आप लोगों को याद रखनी है यहाँ पर, ठीक है ना, और काफी फायदा हो रहा है, खासकर महाराष्ट्र वाले एरिया आप लोगों को याद रखना है जिससे कि महाराष्ट्र वाले एरिया में सबसे ज्यादा आप लोगों को देखने को मिला है और पब्लिक और प्राइवेट दोनों यहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं और जेपी नड्डा यहाँ पर मिनिस्टर है, तो ये सारी बातें आप लोग थोड़ा याद रख सकते हैं कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ओके। तो इस तरीके से फोकस दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंप्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी, मतलब जो यहां पर जो ये दिव्यांग जन होते हैं उनको किस तरीके से यहां पर एक एक्सेसिबल उनके लिए वेबसाइट बनानी है, वो सारा फोकस हम लोगों ने देखा। इसके अलावा आप लोगों को यहां पर रिवीजन देखने को मिला, जो हम लोगों ने रिवीजन किया मतलब आप लोगों को रिवीजन करना है 45th जो 45th लेक्चर है गवर्नर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी। आसियान के बारे में हम लोगों ने जाना क्या क्या यहां पर हेडक्वार्टर कहां पर है, किस किसने कौन कौन से मेंबर है और यहां पर चीफ गेस्ट बनकर आ रहे हैं, वो सब चीजें हम लोगों ने देखी। नेक्स्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिली वुलर लेक के बारे में हम लोगों ने जाना, ये सारी आप लोगों को पता होना चाहिए, फ्रेस्ट ये आप लोग लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ओके। नेक्स्ट इसके अलावा हम लोगों ने देखा BEL के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में थोड़ी चर्चा की हम लोगों ने। इसके बाद में आप लोगों को वाल्मीकि नेशनल पार्क के बारे में और चंपारण के बारे में थोड़ा जानने को मिला। नेक्स्ट हम लोगों ने क्वेश्चन, ये आज के क्वेश्चन है और ये कल के क्वेश्चन के आप लोगों के लिए आंसर है और ये आ रहा है आपका रैखाइन वाला स्टेट।
तो देखिए लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्योंकि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगी, यहाँ पर और भी कई सारी चीजें शेयर करता हूँ वो भी मिल जाएगी, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा जिससे कि आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन भी पहुंचता रहे। अपने आसपास में सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, मिलजुल कर रहिए और रिविजन जरूर करते रहिए और चीजों को शेयर भी करते रहिए ताकि सबको फायदा हो जाए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।